नमस्कार। किसी शायर ने कहा है कि धरती पर एक इंसान उतारा, पूज रहा जिसको जग सारा, अपनी रजा का खुदा हमें खूब दिखाया नजारा। कुछ ऐसे शख्सियत होते हैं जो अपने काम से न केवल देश का नाम रोशन करते हैं बल्कि एक उदाहरण भी पेश करते हैं। मेरे साथ एक ऐसे ही एक उद्योगपति हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में काम करते हैं। मेरे ठीक पीछे सरदार वल्लभ पटेल भाई की एक प्रतिमा है, एक स्टैचू है जो एक देश का अब गौरव हो गया है, नए भारत की कहानी कहता है। और इस कहानी को लिखने वाले हैं तो राज साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पेरी की सफल यात्रा कहां से शुरू हुई? वेल, हमने 16 साल पहले कंपनी शुरू की थी। ये पेरी ऐसे तो 52 इयर्स ओल्ड कंपनी, इट्स अ जर्मन कंपनी, वी आर अ जर्मन मल्टीनेशनल। और इंडिया में हमने 2006 में शुरू किया और 2007 से ही हम लोग वी हैव बीन लीडिंग इन दिस बिजनेस इन इंडिया, और ग्लोबली भी वी आर लीडिंग इन दिस बिजनेस एंड इंडिया में भी वी आर लीडिंग इन दिस बिजनेस। तो 16 साल हो गए, 17 साल चल रहा है अभी। आपने इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि जब ये आप बना अहमदाबाद में, जिस तरह का ये स्टैचू बना, उसमें कैसे बना, कैसे वो यात्रा आई, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। ये आप हर कोई जानता है, दिस इज़ द टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड, सबसे ऊंचा है ये स्टैचू। और इसके जो दो लेग्स दिख रहे हैं, दोज आर एक्चुअली द टू पाइलन्स जिस पे ये पूरा ये स्टैचू खड़ा है। तो हमने ये पूरा क्लाइंबिंग सिस्टम डिज़ाइन किया और सप्लाई किया स्टैचू के लिए, एंड इट वाज अ वेरी वेरी प्रिविलेज्ड प्रोजेक्ट फॉर अस। काफ़ी प्रेस्टीजियस है हमारे लिए और काफ़ी आइकॉनिक भी है। और अभी 189 मीटर्स की हाइट पे ये खड़ा है और हर कोई जानता है कि इन वर्ल्ड में अब इसका कितना महत्व है। और इंडिया में वी हैव एज फार एज आई नो एवरी डे लैक्स ऑफ विजिटर्स विजिटिंग इट एवरी डे। निर्माण क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का समावेश तेजी से बढ़ रहा है, विदेशी टेक्नोलॉजी लगातार आ रही है, भारत कहाँ खड़ा है? भारत में अभी हमको काफ़ी आगे बढ़ना है। हम लोग बहुत जल्दी नई टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट कर रहे हैं हर इंडस्ट्री में, इवन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, और काफ़ी तेज़ी से हम टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट कर रहे हैं, काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। और सेफ्टी का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा आ रहा है अभी इंडिया में। एक सवाल है कि जो अमीरी और गरीबी की खाई लगातार बढ़ती जा रही है, रोजगार देने वाला बड़ा है, और इस चीज को लेकर अगर हम पेरी की बात करें, कितना रोजगार वो दे रहा है और देने का संकल्प रख रहा है? देखिए, हम तो इस इंडस्ट्री में ग्लोबली भी काफ़ी लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और ये जो इंडस्ट्री है फॉर्मवर्क और स्कैफोल्डिंग इंडस्ट्री, इट्स अ वेरी निश इंडस्ट्री बट बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रही है। और इसकी इस इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इंडिया में बढ़ रही है। तो आगे जाके बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा इस इंडस्ट्री में, जो जिसके पायनियर हम लोग हैं इंडिया में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा शब्द है जो जिसको लेकर हर कोई काम कर रहा है, अगर हम पेरी की बात करें, वो किस तरह से इस यात्रा को आगे बढ़ा? वेल, हर तरह से बढ़ा रहे हैं, जैसे कि हम लोग कंस्ट्रक्शन में काफ़ी कुछ वुड यूज़ होता है, तो जितना वुड यहाँ इसमें इंडस्ट्री में यूज़ होता है, एटलीस्ट हम लोग जो करते हैं उसका 3 times हम लोग प्लांट करते हैं। वो ऐसे इनिशिएटिव, बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हम लोग लेते हैं, एंड ग्रीन एनर्जी यूज़ करते हैं, सोलर यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। पूरे विश्व में एक बहस चल रही है जलवायु परिवर्तन पर, क्लाइमेट चेंज पर चर्चा हो रही है, आप कितना कंसर्न रखते हैं? क्योंकि आपने देखा, आप ग्रेटर नोएडा में हैं, दिल्ली की हवा भी अब जहरीली हो गई है, कैसे रोका जा सकता है? वेल, अवेयरनेस क्रिएट करने से ये रोका जा सकता है। हर किसी को इसके लिए कमिट होना पड़ेगा, एवरी इंडिविजुअल हैज टू कंट्रीब्यूट टू इट। मैं एक सफल व्यक्ति के से एक इंटरव्यू कर रहा हूं, उसके सामने खड़ा हूं, मैं ये जानना चाहता हूं कि सफलता का मंत्रा क्या है? वेल, सेटिस्फैक्शन टू द कस्टमर, आप जिस प्रोजेक्ट के लिए, जिस कस्टमर के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए सेटिस्फैक्शन पूरा उनको हो, उस तरह से काम करें,
एंड ऑफ कोर्स आपकी टीम अच्छी होगी तो हर तरह से काम भी अच्छा होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, ये थे राज साहब जो कि एक सफलता की नई कहानी लिख रहे हैं और नए भारत की बात कह रहे हैं। मुझे दीजिए अनुमति और आप बने रहें ब्रॉडकास्ट ममता के।